please like, share the video and subscribe the channel. Dear students, in this session we will discuss about competency or ALO statement 14 of 10th class bridge course ki activity number 1, which is about write an essay. This activity is about writing essay writing par ye activity hai. और इससे पहले भी जी हमने ऐसे राइटिंग पर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो हल की है. तो एक्चुअली दिस इज द रिवीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना है जिसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई है. जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम राइटिंग वर्क कर रहे हैं, इसे जब राइटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना है. जैसे कि वोकेबुलरी जो उसमें हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपर वोकेबुलरी का यूज़ करना है. साथ ही साथ पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग का ध्यान रखना है, प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज़ करना है, करेक्ट स्पेलिंग यूज़ करना है और उनका इस तरीके से यूज़ करना है कि इसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ना होने पाए. और इस तरीके से हमें ऐसे राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करते हुए लिखना है ताकि हमारी लिखते वक्त तो मिस्टेक्स जो है वो कम हो. तो अब देखिए उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है जिसके जरिए जो हम ऐसे राइटिंग कर सकते हैं. जैसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल, राइट एन ऐसे ऑन माय फादर अ हीरो. हमें ऐसे लिखना है अबाउट माय फादर अ हीरो. तो माय फादर पर ये ऐसे लिखना है एंड वी हैव टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स अबाउट आवर फादर. उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर गाइडलाइन के तौर पर दिए हुए. हिज ड्यूटीज एंड रोल इन माय लाइफ. जो स्टूडेंट जो राइट कर रहा है ये ऐसे वो अपनी फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा. तो सबसे पहले बताना है कि हिज ड्यूटीज एंड रोल इन माय लाइफ मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ हिज और हर फादर इन हिज और हर लाइफ. है ना, जो राइटर है, जो स्टूडेंट है, उसकी जिंदगी में उसके फादर का क्या रोल है. हिज सैक्रिफाइसेस, उसके फादर ने उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया, क्या कुर्बानियां दी है. अ सेवियर, सेवियर बना है सेव से मीन्स बचाना, हिफाजत करना. तो हिज फादर इज लाइक अ सेवियर. जैसे मुसीबत में जो कोई इंसान मुसीबत से बचाता है उसे सेवियर कहते हैं. है ना, किसी भी तरीके की कैलेमिटीज में, कोई किसी भी तरीके की मुसीबत में उसे सेवियर कहते हैं. तो फादर इज आल्सो लाइक अ सेवियर. एंड लास्ट पॉइंट इज अ फ्रेंड, फादर इज आल्सो लाइक अ फ्रेंड. तो इन पॉइंट्स का यूज करते हुए यू हैव टू राइट एन एसे अबाउट माई फादर अ हीरो. आपको टाइटल देना है माई फादर अ हीरो और उस पर ये एसे जो है वो राइट डाउन करना है. तो शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करते हुए आप जो है ये आपका असाइनमेंट रहेगा कि यू हैव टू राइट एन एसे अबाउट माई फादर एज अ हीरो. तो ये एसे जो है आप राइट डाउन कीजिए. अब इसके बाद हम इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे. टिल देन, गुड बाय.